सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। दिवाली कह लो या दीपावली, हर कोई इस त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। पूरे भारत में इसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली पर एक अलग ही जश्न होता है। हम सब जानते हैं कि भगवान राम रावण का वध करने के बाद और 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद जब अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी को लोगों ने दीपों से सजाया था। तब से लेकर आज तक इस पर्व को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या नगरी में, जहां इस बार दीपावली और दीपोत्सव में क्या है कुछ खास होने वाला। अयोध्या में बनेगा नया कीर्तिमान, अब की बार टूटेंगे हर पुराने रिकॉर्ड्स। 17 लाख दीयों से सजेगी राम नगरी। शोभा यात्रा में डिजिटल और एनिमेटेड होंगी झांकियां। 10 दिनों तक लगेगी ODOP की प्रदर्शनी। बुराई पर अच्छाई की जीत लेकर भगवान श्री राम जब इस बार अयोध्या लौटेंगे तो अवध नगरी में इस बार अद्भुत अलौकिक छटा देखने को मिलेगी। बता दें कि भगवान राम के लंका विजय कर वापस लौटने की खुशी में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन की शुरुआत योगी सरकार ने 2017 में की थी। उसके बाद हर साल दर साल एक नया कीर्तिमान बनता गया। एक तरफ जहां राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपोत्सव के नए रिकॉर्ड बनाने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इस बार राम की पैड़ी पर छठा दीपोत्सव होगा, तो वही योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला दीपोत्सव है। रामनगरी को आधुनिक तरीके से एक बार फिर से उसी त्रेता युग को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां 5000 वर्ष पूर्व 14 साल बाद जब राम लक्ष्मण और माता सीता ने अवध की धरती पर दोबारा पैर रखा था। ठीक उसी तरह का नजारा इस बार अयोध्या में 23 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इस दीपोत्सव में रामनगरी को 17 लाख दीयों से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और फिर पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। राम की पैड़ी और सरयू तट पर 17 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन के साथ साथ लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। शोभा यात्रा में डिजिटल और एनिमेटेड झांकियां होंगी। 8 देश और 10 राज्यों के कलाकार रामलीला करेंगे। 10 दिनों तक ODOP की प्रदर्शनी लगेगी। खास बात ये कि इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दीपोत्सव में PM नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। PM राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे और ग्रीन व डिजिटल आतिशबाजी भी देखेंगे। बता दें कि दीपक सजाने का काम 21 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और इसमें तेल डालने का काम 22 तारीख से शुरू होगा, जिसके बाद 23 की शाम को केवल दीपकों को जलाने का काम बचेगा। सुरक्षा संबंधी भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसको लेकर जो वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए ब्रीफिंग रखी गई है। पूरे अयोध्या में जब एक साथ इतने दियों के साथ आरतियों की गूंज उठेगी, भजनों के स्वर मिलेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वो नजारा अद्भुत ही होगा। वहीं पिछले साल के रिकॉर्ड्स की बात करें तो नवंबर 2021 में पिछले दीपोत्सव समारोह के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी घाट को 9,41,551 दीयों से रोशन किया गया था, जिसने एक ही स्थान पर सबसे अधिक संख्या में मिट्टी के दीयों को रोशन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। प्रशासन ने 2019 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जब दीपोत्सव पर 4,10,000 मिट्टी के दीपक जलाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं।